सनातन धर्म पर एक विवादित बयानबाजी ने चेन्नई से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचाया हुआ है। बयानबाजी करने वाले शख्स हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। दरअसल 2 सितंबर को तमिलनाडु में सनातन उन्मूलन सम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कई बड़े नेता शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन भी शामिल थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने सनातन धर्म पर बेहद आपत्तिजनक बयान दे डाला। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मुझे विशेष संबोधन देने का मौका देने के लिए मैं इस सम्मेलन के आयोजकों को शुक्रिया कहता हूँ। सम्मेलन का नाम आपने सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन रखा है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। कुछ चीजों का विरोध करना संभव नहीं, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। इसके बाद उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है और इसीलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए, ना कि केवल इसका विरोध किया जाना चाहिए। सनातन नाम संस्कृत से आया है और ये सामाजिक न्याय और समानता का विरोधी है। बयान के बाद विवाद बढ़ा। सम्मेलन से जुड़ी एक क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो सनातन धर्म को खत्म करने वाली बात बोल रहे हैं। बढ़ता विवाद देख उदयनिधि ने अपनी राय रखते हुए एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि कभी मैंने सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटता है। मैं अपने कहे हर शब्द पर दृढ़ता से कायम हूँ। मैं उत्पीड़ितों और हाशियों पर पड़े लोगों की ओर से बात की जो सनातन धर्म के कारण पीड़ित हैं।